हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जिला ऊना में माफिया का मुद्दा उठाने वाले लोगों को ही माफिया करार दिया है। उन्होंने माफिया द्वारा पुलिस को धमकाने के मामले को लेकर पंजाब पुलिस के साथ इस मामले को उठाने की बात कही। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ऊना में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बोल रहे थे। वहीं उन्होंने पन्हों में लगे तारकूर के प्लांट पर जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए। ऊना में स्वा नदी में माफिया द्वारा पुलिस को धमकाने वाले मामले में हिमाचल सरकार भी तल्ख हो गई है। इस मामले में सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, जिसके बाद अब हिमाचल सरकार सख्ती में दिख रही है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वह इस मामले को पंजाब सरकार के समक्ष उठाने वाले हैं और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हिमाचल सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। कैबिनेट मंत्री की माने तो हिमाचल में अब माफिया ही अवैध माइनिंग का मामला उठाने लगा है, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में माइनिंग माफिया पैदा हुआ है और बीजेपी ने सत्ता में आते ही इन पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि आज माफिया के लोग विचलित हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लगता है कि माफिया ही अब आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा माफिया था, भू माफिया था, खनन माफिया था, और जिसके चलते जो है हमने इस विषय को जनता के बीच में लेकर के गए थे और जनता ने इसके ऊपर बहुत बड़ा जनादेश जो है वो दिया है। हमने आते ही जहां माफिया के ऊपर कार्रवाई की है, माफिया अब विचलित है और जिसके कारण ये आधारहीन जो है वो आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो एक साइंटिफिक माइनिंग है, जो लोगों की आवश्यकता है, उसको जो है वो सरकार ने अलाउ किया है। जो लीज़ जो है वो दी गई है और लीज़ रूल का जो है वो उनके द्वारा जो है उसका पालन हो रहा है। उसके माध्यम से ही खनन जो है वो किया जा रहा है, ना कि जो है वो इलीगल जो है वो माइनिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो माफिया था वो अब विचलित है, जिसके कारण वो तरह तरह के आरोप प्रतिरोप जो है वो सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक तारकोल का प्लांट लोगों के विरोध का कारण बना हुआ था। दरअसल लोगों के विरोध का कारण इस प्लांट का आबादी के पास होना है। लोगों ने इस प्लांट को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाने का अनुरोध भी किया था, लेकिन उनके इस अनुरोध का प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों की माने तो उनके द्वारा इस मामले पर ली गई RTI का भी उन्हें कोई उचित जवाब नहीं मिला है। ग्रामीणों का तो यह भी आरोप है कि इस प्लांट के कारण क्षेत्र में सहनशीलता से भी अधिक बदबू आती है और क्षेत्र के बच्चे, बुजुर्ग सभी बीमार हो रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। जिले के पनोह गांव में बने इस तारकोल प्लांट पर यहां के ग्रामीणों का आक्रोश इस कदर बढ़ चुका है कि अब ग्रामीणों ने इस प्लांट को नहीं हटाए जाने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। इससे पहले उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारा ये है जी ऑब्जेक्शन है, समझ लो कि यहां पर एक इलीगल लोक मिक्स प्लांट चल रहा है, जिसकी किसी भी प्रकार की NOC इनके पास नहीं है, ना प्रदूषण डिपार्टमेंट की है, ना ही हमारी ग्राम सभा की है। तो ये इलीगल चला रहा है, इसने पंचायत में समझौता भी किया, लेकिन ये फिर भी उसको बंद नहीं कर रहा है, धक्केशाही कर रहा है, जिसके साथ हमें इतना नुकसान हो रहा है कि हमारे जो हम तो मरे गए, हमारी उम्र पूरी हो चुकी है लगभग, लेकिन हमारे नौनिहाल जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या पढ़ेंगे, खेतों में हमारे इसके साथ खेत है, वो काम कैसे करेंगे। हम इतनी बदबू और जहरीली गैस आ रही है, उसके लिए हमारी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इस मतलब ऑक्सी गैस को बंद करे जा, क्योंकि इसके अंदर जहरीली गैसें हैं जिसके साथ कैंसर फैलता है, दमा फैलता है, फेफड़ों का नुकस होता है, गुर्दे सारा खराब हो जाते हैं। ये कम से कम भी इसको 2 किलोमीटर दूर चाहिए, ये तो इसने 200 मीटर लगा रखा आबादी से। जो इस प्लांट से पोल्यूशन हो रहा है, जो इस प्लांट से नुकसान हो रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, मंजे पर पड़े हुए हैं, उनका जीना दुश्वार हो चुका है। इस प्लांट के लगने से हमारे जो जहां हरित क्रांति थी, अब धुआं क्रांति बन गई है। हम बहुत दुखी हैं, इस प्लांट से तो सांस लेना मुश्किल है। हमने हर कहीं जाकर ये प्रशासन से ही मांग की, सबसे मांग की कि इस प्लांट को यहां से बंद करवाया जाए और शिफ्ट करवाया जाए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। आज हम आपके माध्यम से राजेश कुमार यह सुनिश्चित करता है इस गांव में अगर समय रहते इसको नहीं उठाया गया तो हम आत्मदाह तक मजबूर हो जाएंगे, हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। इस मीठे जहर से तो अच्छा है हमें सरकार ही कोई इच्छा मृत्यु दे दे, ताकि हमें रोज रोज मरने से हम एक बार मरना हमें मंजूर है।